अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जानकी बेटा बड़ी अच्छी पतंग बनाई है तूने। भाभी कल तो हम ही जीतेंगे, देख लेना। वो तो देखा जाएगा क्योंकि हमें पता है कल हम और हर्षी जीतेंगे, है ना हर्षी? कल हम दोनों जीतेंगे ना। तुम्हें काम करो, इसको पकड़ो। क्यों, हमने आपके लिए बनाया है। सही एकदम। ओके, ये तुम ही उड़ा लो, मैं नहीं उड़ाऊंगा। तुम मारती हो बहुत ज्यादा, मारोगी आगे भी। भाभी सुनो ना, उनको बोलो ना कि वो मेरे खेलने पार्थ पियो को बुलाओ ना प्लीज। हर्ष देखो जिद मत करो। ओ आगे तुम लोग, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे, जाओ जाके अंदर पढ़ाई करो ना। मम्मा प्लीज हमें मैथ में हेल्प करो। छोड़ो ना, खेलते हैं। पीयू देखो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पापा आएंगे तो तुम सारे सवाल उनसे पूछना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पापा आएंगे लाओ प्रॉब्लम लाओ मुझे ना। मैथ्स का जीनियस यहाँ बैठा है और तुम बोल रहे हो पापा आएंगे। ऐसे कौन से 3 डिफरेंट नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करो या ऐड करो तो सेम डिजिट आएगी? क्या हुआ? मिल गया आंसर? अरे ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, मैं इंटरनेट पे चेक करके बताती हूँ। अगर कर क्या हुआ, आपके बच्चों को मैथ्स का प्रॉब्लम आया है, जरा सॉल्व कर दीजिए। भागो भागो उनसे पूछो। मैं बताता हूँ। अरे यार इतना इजी है, कहाँ इस डफर के पास है। इधर आओ। ये 3 डिफरेंट नंबर्स जिनको आप ऐड या मल्टीप्लाई करो तो सेम डिजिट आती है। सॉल्व। अच्छा किसी को नहीं पता। मैं भूल गया ना, बच्चों का क्वेश्चन है, बहुत तो बहुत सिंपल है। 1, 2 and 3 अब इसको ऐड करो मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम 6। आपको कैसे पता? कैसे करा? वेरी गुड। क्या बात है, मैं क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स खाता हूँ ना इसलिए मैं इंटेलिजेंट हूँ। तुमने कहा था ना गुड़िया, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे तो इंटेलिजेंट हो जाओगे, मैं कहता हूँ। गुड़िया हाँ सुनो ना। क्या हुआ? मुझे कोई खेल नहीं रहा, तुम चलो ना हम साथ में खेलेंगे, काइट फ्लाइंग करेंगे ना, चलो। नहीं हमेशा कहती हो लेकिन आती तो हो नहीं, हमेशा ऐसे कहती हो। अभी आएंगे, आप जाइए। ए पार्थ मैथ्स में पास होना है तो मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ, कम फॉलो मी। शिखर हर्षी के लिए कभी प्राइवेट ट्यूटर रखने के बारे में सोचा क्या तुम लोगों ने? एंड हाँ उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैथ्स। इसीलिए? ये तो कुछ भी नहीं है भाभी, टॉपर रहे हैं मैथ्स के। रियली? जीनियस है वो। हमें पता ही नहीं। बच्चों के 2 सवाल सॉल्व करने से वो जीनियस बन गया है। वाह पढ़ने लायक बन गया वो। ये ट्यूशन और ट्यूटर का आइडिया एकदम बकवास है, स्टूपिड है। 1, 2, 3 भैया टफर। हमने डिसाइड कर लिया है, हम हर्षी को मैथ्स पढ़ाएंगे। क्या पता उनकी ब्रेन की कंडीशन इंप्रूव होने से उनकी मेंटल कंडीशन इंप्रूव हो जाए, यू नेवर नो। बिल्कुल। क्या बात है भाभी, बड़ा ब्रिलियंट आइडिया, जीनियस तो आप भी कम नहीं है। सपोर्ट है मेरा, साथ हूं मैं आपके। हम ऐसे क्वेश्चंस रोज भैया से पूछेंगे, क्या पता इसी से कोई मिरेकल हो जाए और उनको सब याद आ जाए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हारी वजह से हर्ष की हालत में इतना सुधार आया है और हमें विश्वास है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा हम ना इस सब के बारे में हर्ष के पापा जी को बताकर आते हैं, वो भी खुश होंगे। ये फेवरेट कलर है हमारा। एक बात कहें? बोलिए। जानकी ना हर्ष का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। अच्छा, और उस कारण ना हर्ष के बर्ताव में बहुत बदलाव आ रहा है, वो चीजों को समझने लगा है, बातें मानने लगा है। और आज तो कमाल ही हो गया, आज उसने पीहू का मैथ्स का सवाल यू सॉल्व कर दिया जो शिखर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। क्या कह रही हैं आप? और जानते हैं ये सब जानकी के कारण हुआ है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जानकी एक दिन हर्ष को 5 साल पहले वाला हर्ष बना देगी, वो हर्ष जो एक्सीडेंट से पहले था। भाभी आपको पता है
एक्सीडेंट से पहले ना हर्ष भैया का फेवरेट कलर होता था रेड कलर, रेड शर्ट्स, रेड कार, अरे वो ना सॉक्स भी रेड पहनते थे। पर एक्सीडेंट के बाद ना वो इस रेड कलर से इतना डर गए कि हमने उनकी लाइफ से ही रेड कलर गायब कर दिया। बट कोई बात नहीं, अब आप आ गए हो ना, आई एम 100% श्योर कि अब ये रेड कलर उनकी लाइफ में वापस आएगा और ढेर सारी खुशियां भी वापस आएंगी। मैं गुड़िया को दिखा के आता हूँ। गुड़िया देखो ये कितना सही है एकदम, जब हम इसको उड़ाएंगे ना तो फिर ऐसे से करेगा एकदम ऐसे से। सही है ना? बहुत अच्छा है। आप लोग क्या कर रहे हो? हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप भी हेल्प करो ना। तो पूछो फिर। अच्छा हर्ष जी बताइए, 1, 2, 4 ओके, इसके बाद क्या आना चाहिए? लेट मी कैप्चर दिस मोमेंट। गुड़िया तुम बहुत सिंपल है। क्या है आंसर? आंसर मी। इंट। कैसे? 1 का डबल क्या होता है? 2 और 2 का 4? 4। 4 का 8। देखा दादी, हम यही तो बात कर रहे थे कि अगर इनसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाए, इनकी ब्रेन की एक्सरसाइज कराई जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। गुड़िया तुमको अच्छा लगा? ऑफ कोर्स। चलो फिर पतंग उड़ाते हैं ना, बस हो गया, मैं थक गया। अच्छा पतंग हम बाद में उड़ाएंगे, सबसे पहले ना आप भगवान जी को एक लेटर लिखोगे, वो भी पतंग पे। भगवान जी को लेटर कैसे लिखेंगे हम? ये आपकी फेवरेट पतंग है? हाँ ये है। इस पर आप लेटर लिखोगे। ये लिखिए, डियर गॉड। लेकिन मगर मुझे उनकी वाइफ को लिखना हो तो? आपको पता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? जब हम छोटे थे ना तब हमारे पापा इसी तरीके से पतंग पर भगवान जी को लेटर लिखने के लिए बोलते थे और कहते थे कि जिसकी पतंग सबसे ऊंची जाती है ना आसमान में, उसकी विश पूरी करते हैं भगवान जी। हम अपनी पतंग नितिन और निशा को दे देते थे जो कि उनकी विश की लिस्ट बहुत लंबी होती थी, और हमने कभी कुछ मांगा ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी विश तो हमारे पास ऑलरेडी थी, हमारी फैमिली। अब पर चलिए, आपको आपको तो विश मांगनी है ना, तो चलिए भगवान जी को लेटर लिख ली। ठीक है ओके। एक मिनट भैया, आप भगवान जी को क्या लिखोगे? मैं बोलूंगा कि डियर गॉड, आपने मुझे मेरी जान की गुड़िया दी, मुझे बहुत खुशी हुई, आई लव यू एंड आई थैंक यू फॉर दिस। और फिर जैसे मेरी गुड़िया को कुछ नहीं चाहिए भगवान जी से, मुझे भी तो क्या चाहिए, क्योंकि मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो मेनी पीपल, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान जी से कहूंगा कि मुझे एक चीज चाहिए, मेरी गुड़िया बहुत ज्यादा रोती है, अपनी फैमिली को मिस भी करती है ना, करती हो ना, फिर वो आएंगे और अपनी फैमिली को लेके तुमको मिलवा देंगे। और फिर मैं ये वो जरूर बोलूंगा कि मेरी जान की गुड़िया को लेके मत जाओ साथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है ना, तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। मैं लिखता हूँ फटाफट से। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।